हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, सेफ होंगे। गुड मॉर्निंग। तो आज है सैटरडे का दिन और सुबह उठकर मैं काम पे लग गई हूँ, क्योंकि सैटरडे के दिन ना हम लोग हमेशा मंदिर जाते हैं, शनिदेव का मंदिर। वैसे तो वो मंदिर का भी नाम मैंने शनिदेव का मंदिर रख दिया है। पहले तो हम लोग भोले बाबा का मंदिर बोलते थे, और पहले तो वहाँ पर भोले बाबा का ही मंदिर था, लेकिन अभी वहाँ पर शनिदेव का मंदिर और नौ ग्रह का जो मूर्तियाँ होती है ना, वो सब बैठाया हुआ है। हनुमान मंदिर भी है वहाँ पे, तो वहाँ जाते हैं ना तो बहुत अच्छा भी लगता है। पीपल का पेड़ भी है वहाँ पे, तो वहाँ पे जल चढ़ाना भी हो जाता है, और वहाँ पे बरगद का पेड़ भी है। तो वहाँ पूजा का ही स्थान है ना, तो हर चीज़ है वहाँ पे। तो अभी वहीं जाने की तैयारी हो रही है, तो लेट उठ रहे हैं क्योंकि छुट्टी वाला दिन ना मैं आराम से सोती हूँ। नींद पूरा करना भी ज़रूरी है, और वैसे तो आप सबको हमेशा ब्लॉग में एक ही बात बोलते हैं, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन सच बोलूँ ना तो एक साल से ना मैं ऐसा लगता है जैसे कि मैंने सोया ही नहीं है कभी अच्छे से। और अभी जब से नवरात्रि शुरू हुई है ना, तो हमारे सोसाइटी में ना गरबा खेलते हैं रात के टाइम पे, डांडिया लोग खेलने आते हैं। तो मैं इतना ज़्यादा लेजी हो गई हूँ, रात में सारा काम वैसे ही छोड़ के बैठ जाती हूँ देखने के लिए। और आजकल ना डिनर भी बहुत लेट हो रहा है, और छुट्टी वाला दिन है ना, तो जिसकी वजह से ना सारा काम आराम आराम से हो रहा है। तो रात को ना मैं बर्तन छोड़ दी थी, गैस भी क्लीन नहीं किया था, किचन काउंटर टब थोड़ा बहुत मैंने पोंछ दिया था, तो अच्छे से पोछा नहीं था। तो वही सुबह उठ के ना मुझे ये सब काम करना पड़ता है, तो उसकी वजह से और भी लेट हो जाता है। और अभी पानी आ चुका है, पानी आने के टाइम पे ही मैं उठी 8 बजे, तो इसके लिए थोड़ा सा लेट तो होता ही है। तो चलो, एक तो रहता है ना कि भागम भाग नहीं है, ऑफिस नहीं जाना है, बच्चे को स्कूल नहीं जाना है, आदर्शानी को स्कूल जाना है। तो हस्बैंड बोल रहे थे कि चलो अभी फटाफट से नहा के ना हम लोग चलते हैं। तो मैं बोली कि नहीं, पहले मैं खाना बना लूँगी, क्योंकि आदर्शानी को स्कूल भी भेजना है, तो जाएंगे ना तो लेट हो जाएगा। तो खाना बना रहेगा ना तो ट्यूशनी को खिला के मैं लेके जाऊंगी। मेरे दोनों बच्चे का ना पेट भरा रहना चाहिए, दोनों को मैं खाना खिला के लेके जाऊंगी ना, तो टेंशन नहीं रहेगा कि हाँ इसको खिलाया नहीं है, पिलाया नहीं है, भूख लग जाएगी। थोड़ा लेट भी होगा तो चलेगा, और खुद तो भूख बर्दाश्त कर लेंगे, बड़े लोगों को उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन छोटे बच्चे को ज़्यादा देर तक भूखे नहीं रख सकते। हस्बैंड को चाय भी पीना था, तो अभी मैंने गैस अच्छे से पोंछ लिया था, तो दूध भी गर्म होने के लिए चढ़ाया, चाय भी बना लिया, चाय बन गया है, अभी साथ में चाय पियेंगे। और मैं इधर आ गई थी देखने कि मैं सुबह ना मशीन लगाई थी, अभी मशीन कितना मिनट लेगा, तो अभी यहाँ पे 10-11 मिनट दिखा रहा था, और एक बार और पानी लेगा। आज जब मैं मशीन लगाई ना, तो पानी का लेवल जो है ना फुल करके ही लगाया था, क्योंकि बहुत सारा कपड़ा था, और इसमें ना बेडशीट था और सोफा का कवर वगैरह मैंने डाला था, तो गर्म पानी में धो रही हूँ, तो फुल पानी का लेवल ना मैंने करके फिर मशीन लगाया था, ताकि अच्छे से धुल जाए। उसके बाद मैं चाय लेकर आ गई बालकनी में, बैठ के मजे से इंजॉय करके नेचर को देखते हुए चाय पिया। फिर साथ में मैंने बनाया खिचड़ी, अयंस के लिए खिचड़ी चढ़ा दिया था चाय बनने के बाद। और उसके बाद मैं ना खाना बनाने की तैयारी करने लगी, तो पत्ता गोभी आलू का सब्जी बनाऊंगी। थोड़ा सा ही पत्ता गोभी था मेरे फ्रिज में, तो वही मैं निकाल के और उसका सब्जी बनाई। थोड़ा सा ये कद्दू बचा हुआ था, तो उसका भी मैं भाजी बना रही हूँ। और अयंस का खिचड़ी बना के मैंने निकाल लिया था। सेम कुकर में मैंने अभी दाल चढ़ा दिया है, दाल बना के निकालूंगी, फिर चावल चढ़ाऊंगी। तब तक ना अयंस को खिला भी दूंगी, और मेरे बच्चे नहा के रेडी भी हो जाएंगे। तो गए, अभी नहाना धोना हो गया, और अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर पूजा करने। इसको क्या हो गया? इसको क्या हो गया? तो चलिए अभी हम लोग निकल रहे हैं, डायरेक्ट मंदिर में मिलते हैं आप लोगों से, लेट हो जाएंगे। तो मैंने बना लिया है। हाँ, आज आप मेरे को 1:45 बजे। हाँ ठीक है, चलो चलो, 1:45 बजे लेने आ जाओ। ये पानी की बोतल रखो। चलिए, बहुत कड़क धूप है, बापरे। चलिए माता रानी का दर्शन करते हैं। जय माता रानी। तो यहाँ पे पूजा होता है, रात में डांडिया खेलते हैं। अयांश को देखो, चलो चलो पापा आ गए। मंदिर जाते वक्त ना रास्ते में ये फूल वाले भैया की दुकान पड़ता है, तो वहाँ से मैं फूल ले लेती हूँ। फिर यहाँ सामने ही क्या बोलते हैं, मिठाई की दुकान है, तो वहाँ से मैं लड्डू लेती हूँ, हनुमान जी को लड्डू मैं चढ़ाती हूँ वहाँ पे। तो अभी वही लड्डू लूँगी, और मछली के लिए मैं यहाँ से पाव लूँगी। मछली को बहुत दिनों से ना मैंने खाना दिया नहीं है, तो जब भी वहाँ जाते हैं ना तो थोड़ा अजीब लगता है। और अभी ना तालाब में पानी भी बहुत ज़्यादा आ गया है, तो मछली पता नहीं है या नहीं है। मछली तो अभी कम दिखता है, शायद मछली बड़े बड़े हो गए होंगे ना, तो निकाल लिया होगा।
तो यहाँ से मैंने मोतीचूर का लड्डू लिया, और लड्डू मैं ज़्यादा नहीं लेती हूँ, दो चार लेती हूँ और भोग लगा देती हूँ वहाँ जाती हूँ। तो अभी देखिए हस्बैंड कहाँ पे खड़े हैं, छाँव में खड़े हो, बोले कि मैं छाँव में खड़ा रहता हूँ, तुम जाओ लेके आओ। और सबसे पहले तो आप सबको दिल से थैंक यू सो मच, कल मैंने अपने न्यू चैनल के बारे में बताया तो कुछ फ्रेंड ने कमेंट भी किया था कि दीदी आप अपना न्यू चैनल का लिंक दे दीजिएगा, मैं सब्सक्राइब करूँगी। तो वहाँ पे ना वीडियो मैं बहुत जल्द अपलोड करने लगूँगी, क्योंकि अभी ना उस चैनल के लिए ना वीडियो अलग से मुझे शूट करना है, और ज़्यादातर ना गाँव वाला ब्लॉग वहाँ पर आएगा, और बहुत जल्द मैं गाँव जाने वाली हूँ। अभी ये सब बिल्डिंग देख रहे हैं ना, सारा न्यू बिल्डिंग है, अभी अभी बना है, जब ये बन रहा था ना तब से मैं इसको देख रही हूँ, और वही मैं हस्बैंड को बोल रही थी कितना जल्दी मतलब ये बन के तैयार हो गया। तो अभी हम लोग ना मंदिर पहुंच गए हैं, सबसे पहले ना पीपल के पेड़ को जल देंगे, शनिवार के दिन ही पीपल के पेड़ पे जल दिया जाता है, और बोलते हैं ना सूर्योदय से पहले देना चाहिए, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाता है। हम लोग बहुत बार सोचे कि सूर्य निकलने से पहले ना नहा धो के आ जाएंगे, लेकिन नहीं आ पाते। मैं हस्बैंड को भी बोलती हूँ मैं नहीं जा पाती हूँ तो आप तो कम से कम चले जाइए, तो वो भी नहीं आ पाते हैं। तो चलो ठीक है, अभी जितने बजे आते हैं मंदिर तो उसी टाइम पर दे देते हैं। जल में ना थोड़ा सा गुड़ और चावल और थोड़ा सा तिल दे के ना जल दिया जाता है, आप लोग कैसे देते हो बताइएगा ज़रूर, हमारे साइड में तो ऐसे ही देते हैं। और यहाँ पे तिल का दिया भी जलाया जाता है, तो अभी मैंने तो जल दे दिया, हस्बैंड अभी दे रहे हैं, और मैं ना एक नई शुरुआत करने जा रही हूँ, तो उसके लिए मैं भगवान से प्रेयर भी की कि भगवान सपोर्ट करना, साथ देना, और साथ में आप सबको भी देती हूँ, आप सब भी खूब सारा ब्लेसिंग दीजिएगा ताकि मेरा वो चैनल जल्दी से जल्दी ग्रो करे। अभी तो वीडियो पता नहीं कब आएगा, फर्स्ट वीडियो, मैं खुद ज़्यादा एक्साइटेड कि कब डालूंगी, कब आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और मैं चाहती हूँ कि फर्स्ट वीडियो ना मेरा एकदम अच्छा हो, अच्छे से मैं बनाऊँ, चाहे जैसा भी हो ब्लॉग, तो इसके लिए थोड़ा सा मैं तैयारी भी कर रही हूँ। और आज मैं मंदिर आई ना, इतना खुशी मिल रहा था ना, एकदम से भीड़ नहीं था, देखिए कितने अच्छे से कितने आराम से बैठ के हम लोग पूजा किए ना, भोले बाबा को जल चढ़ाया, फूल चढ़ाया, बेलपत्र वगैरह मैं लेकर आती हूँ। और मुझे ना आज बहुत ही अच्छा गिफ्ट भी मिला था, हस्बैंड ने ऑर्डर डाल दिया था मेरे लिए, तो थोड़ा सा मैं देख के इमोशनल भी हो गई थी। वो गिफ्ट मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ऐसा क्या गिफ्ट मिला है। देखिए अगर ये चैनल पर आएगा, नहीं तो मेरा जो न्यू चैनल है वहाँ पर आ जाएगा। ज़रूरत से पहले अगर कोई चीज़ें मिल जाए ना तो बहुत अच्छा फील होता है, मुझे ना उस चीज़ की बहुत ज़रूरत थी। तो इस नवरात्रि में ना मुझे बहुत ही अच्छा गिफ्ट मिला है, मेरे पतिदेव ने दिया है, आप सबको मैं दिखाऊंगी, बहुत जल्द दिखाऊंगी, और मुझे उम्मीद है कि आप सब देखेंगे तो आप सबको भी बहुत अच्छा लगेगा, कुछ फ्रेंड तो तुरंत खरीद भी लेंगे। और आयांशना भी चलने लगा है ना, वो खुद से भी चलता है, लेकिन अभी थोड़ा दूर चलता है फिर गिर जाता है, दृशानी हाथ पकड़ के चलाती है ना तो बहुत देर तक चलता है वो। और शनि देव को तेल चढ़ाने के लिए ना पहले हम लोग यहीं से तेल खरीद लेते थे, लेकिन वो अच्छा नहीं होता है, तेल तुरंत खरीद के और वहीं पे नहीं चढ़ाना चाहिए, हमेशा घर से लेके जाना चाहिए। तो मैंने ना घर पे ही एक अलग डब्बा में तेल रखा हुआ है, और छोटे से डब्बे में मैं लेकर आती हूँ यहाँ पर, और हस्बैंड को दे देती हूँ, उसमें तेल डाल के और वो चढ़ा देते हैं, आयंस को हमेशा ले कर जाते हैं। तो कोई चीज़ें अगर पता नहीं होता है ना तो बाद में पता चलता है, तो उस चीज़ को फॉलो भी करना चाहिए। तो अभी यहाँ पे देखिए मछलियों को खाना दे रहे थे, यानी कि पाव का एक लादी जो होता है ना पूरा मैंने लिया था, और अभी मछली बहुत कम है, बहुत देर बाद ना मछली आई और पूरा खा के गई वो, और कुछ देर तक तो मतलब आई नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे कि मछली है ही नहीं, अब छोटा छोटा मछली मुझे दिख रहा था, लेकिन बाद में जब देखे ना झुंड में आया इतना बड़ा बड़ा सा मछली। ये जगह मुझे इतना पसंद है ना, यहाँ पर इतना अच्छा लगता है, इतना सुहावन लगता है ना, और इधर ना बहुत सारा न्यू बिल्डिंग बना है, मतलब बदलापुर में देखेंगे ना चारों तरफ ना आपको अच्छे अच्छे बिल्डिंग दिखेगा, बहुत बड़ा बड़ा भी बिल्डिंग बन रहा है। उसके बाद घर में आ गई, घर आके फिर दृशानी को रेडी करके उसको स्कूल लेकर जा रही हूँ, और आते आते ना घर पे 12:30 का टाइम हो गया था। गुड आफ्टरनून गाइस, दृशानी को छोड़कर आ रही हूँ स्कूल से, आने के बाद अभी जस्ट मैंने खाना खाया है,
मंदिर जाना था ना, इसके लिए मैं फटाफट से खाना बनाई। और मंदिर से आते आते ना 12:30 का टाइम हो गया था, तो देवशानी को स्कूल फटाफट से रेडी करके उसको भेजा। और अभी जस्ट मैंने खाना खाया, बहुत दबा के खा लिया। और अभी ना मुझे एक और काम करना है, कपड़े सूखने के लिए देना है। अभी तक मशीन में पड़ा हुआ है, कुछ कपड़ा मैंने हाथ से धोया है, वो भी उधर बाथरूम में पड़ा हुआ है, तो उसको मैं सुखा देती हूँ। फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, फिर वीडियो एडिट करूँगी। यही सब मतलब काम करते करते पूरा दिन निकल जाएगा। और शाम को ना मुझे जाना है एक भाभी के घर पर, वहाँ पर वजन भी है। मैं ना बनाना लेकर आई हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना खाली हाथ नहीं जाते हैं, कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं। कुछ लोग पैसा भी चढ़ाते हैं, कुछ लोग फ्रूट भी लेके जाते हैं। मैं जाती हूँ तो दोनों चढ़ाती हूँ, मतलब फ्रूट भी चढ़ाती हूँ, कुछ पैसे भी चढ़ाती हूँ। तो शाम को मतलब भाई आज दर्शन के स्कूल से छुट्टी भी हो जाएगा जल्दी, आज सैटरडे का दिन है ना, तो 4:30 बजे छुट्टी हो जाएगा उसका, तो उसको लेकर आऊँगी। और वहाँ पर जाना है 3 बजे से, तो मैं दर्शनी को लेकर आऊँगी, फिर उसके बाद जाऊँगी, थोड़ा लेट ही जाऊँगी वहाँ पर। दर्शनी पहले ही बोल दी मुझे कि मम्मा मुझे ना स्कूल से 3 बजे ही लेके आना, मुझे भी जाना है भजन में, उसकी फेवरेट दोस्त के घर पे है ना, तो इसके लिए। तो मैं बोली कि नहीं, अभी देर शनि को स्कूल से लेके आऊँगी, फिर उसके बाद ही मैं जाऊँगी। इतना सारा कपड़ा, आज मैंने बहुत सारा कपड़ा लगाया था धोने के लिए, और पहले से भिगो के रखा था ना रात में, फिर उसके बाद मैंने धोया। और गर्म पानी से धोती हूँ, तो एक फ्रेंड का कमेंट आया था आप इसमें गर्म पानी करके डालते हो क्या, तो नहीं, इसमें ऑप्शन दिया होता है गर्म पानी का। देखो यहाँ पे हॉट वॉश लिखा है ना, यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया है, तो हमेशा हॉट वाला प्रेस करके वही मतलब यही वाला ऑप्शन चूज करती हूँ, फिर धोती हूँ। बहुत अच्छे से ना बेडशीट या कोई भी गंदा कपड़ा होता है ना, बहुत अच्छे से साफ हो जाता है। ये वाला जो जीन्स आप देख रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा गंदा था। देवशानी का जीन्स वैसे भी बहुत गंदा रहता है। नहीं देखिए, पूरा अच्छे से क्लीन हो गया है, लेकिन रात को मैंने भिगो के फिर उसके बाद धोने के लिए दिया ना, तो ज़्यादा अच्छे से क्लीन हुआ। अभी सारे कपड़े को ना सूखने के लिए देती हूँ। अभी ना सारे कपड़े मैंने सूखने के लिए डाल दिया, जैसे तैसे मैंने सारे कपड़े ये वाले ग्रिल पर ही सूखने के लिए दिया है। अभी जो बाथरूम में कपड़ा है ना, वो उसको मैं बेडरूम के बालकनी में सुखाऊँगी। और देखिए अभी किचन कितना ज़्यादा अंधेरा दिख रहा है, यानी पूरा ये एरिया ही अंधेरा लगने लगता है। और ये जो सारे कपड़े मैंने निकाले थे कल, उसको सोचा था आज मैं दे दूँगी कचरे वाले भैया को, लेकिन अभी नवरात्रि चल रही है, पता नहीं इस टाइम पे पुराने कपड़े देते हैं या नहीं देते हैं, मुझे पता नहीं है। तो आप लोग बताइएगा क्या दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। वैसे तो ये सारे कपड़ा कचरा में ही जाएगा, लेकिन गारंटी नहीं है ना कि मैं दूंगी तो कचरा में ही फेंक देगा या फिर क्या करेगा क्या नहीं, तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है ये भी सोच के। आप सब बताइएगा कि ये कपड़े दे सकते हैं या नहीं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, नेक्स्ट डे मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। कल ना ब्लॉग को एंड नहीं कर पाई थी, कल बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी, मुझे भजन कीर्तन में भी जाना था भाभी के घर पर, तो वहाँ चली गई। और घर का काम तो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, तो और अभी नवरात्रि का भी मतलब नीचे बहुत ज़्यादा शोरगुल रहता है ना, रात को मैंने कुछ भी रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो इसलिए ये ब्लॉग एंड ही नहीं कर पाई थी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सबको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, थोड़ा सा ही पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।